आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है सीतापुर से, जहां 16 मरे हुए लोगों के नाम से शौचालय की धनराशि का हुआ जमकर बंदरबांट। सीतापुर में शौचालय कपड़ा घोटाला सामने आया, जहां मरे हुए लोगों के नाम से निकालकर शौचालय की धनराशि प्रधान व जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर किया बंदरबांट। जिलाधिकारी को प्रार्थना देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, नहीं हुई कार्रवाई। आपको बता दें, ताजा मामला यूपी के सीतापुर के ब्लॉक परसंडी के ग्राम पंचायत लाल गांव का है, जहां पर प्रधान व सेक्रेटरी सहित जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों के सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। ग्रामीणों की माने तो 16 मरे हुए लोगों के नाम से शौचालय की धनराशि निकाली गई, वहीं 113 लोगों को बिना शौचालय की धनराशि बांटे ही निकालकर उसको बांट लिया गया। अब सिलेंडर देखो, जमीन वो भी गई एकदम, हमको देखो हमका कोई पता ही नहीं। आपका नाम? लतीफ अहमद। ठीक, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। आपको शौचालय के लिए क्या क्या सामग्री दी गई? हमका खाली ईंटा मिला साहब, कुछ नहीं। खाली ईंट मिली है आपकी? बस। कितने दिन पहले ईंट मिली थी? हो गया है 2 महीना साहब। और उसके बाद में आपने प्रधान से बात की तो क्या कहा उन्होंने? जब जाई थे तब कहा थे पैसा कहाँ है यार, परेशान हम, यही बता देते। कौन सी ग्राम पंचायत है? ताल गाँव। 10 साल पहले पूर्व खत्म हो जा चुके हैं, उन लोगों का पैसा निकल गया है। 113 नाम जिनका पैसा निकल चुका है, अभी उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। अच्छा, और ये जो है क्या आपने कहीं शिकायत की? हाँ, डीएम साहब ने शिकायत की 23 तारीख को, उसमें अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, अगर दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या जो गरीबों का पैसा निकाला गया है वो प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर हड़प कर? हाँ, ये प्रधान सेक्रेटरी दोनों लोग मिलकर हड़प कर गए। आपका नाम? अब्दुल सलाम। कौन ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत तालगा। प्रकाश में आया है जिसमें कुछ मृतक लोगों को शौचालय दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको खाते पैसा निकाल लिया गया उन लोगों को नहीं मिला है, ऐसे में क्या कार्रवाई आपकी तरफ की गई? विकासखंड परसंडी की ग्राम पंचायत ताल गांव में काफ़ी मात्रा में शौचालय की धनराशि आवंटित की गई है। आप द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया जा रहा है कि कतिपय ऐसे लाभार्थी हैं जो मृतक हैं और उन्हें धनराशि आवंटित की गई है। अगर हम संबंधित एडीओ पंचायत से इसकी जांच करा रहे हैं और अगर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ऐसे लोगों को जो मृतक हैं उनको शौचालय की धनराशि आवंटित की गई है, तो संबंधित सचिव और प्रधान के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रख्यापित की जाएगी।